प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, 2019 के अंदर बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है द इक्वेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट इज, या फिर आर। तो करंट का इक्वेशन ये दे रखा और वहीं वोल्टेज का इक्वेशन ये दे रखा। इन दोनों इक्वेशनों में एक चीज़ देखो, यहाँ पर I इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर V इज इक्वल टू 5 कोस ओमेगा टी है। इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को उतार लो, मैंने इसको उतार लिया 2 साइन ओमेगा टी। चलो दूसरी वाली इक्वेशन को उतार लेता हूँ, V इज इक्वल टू 5 कोस ओमेगा टी। आपको पता है, आपको या तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो या कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो। चलो मैं नीचे वाले को ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ 5 साइन 90 माइनस थीटा। क्या मैं ये नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ। क्या मैं ये नहीं कह सकता 90 माइनस थीटा? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता, ये वाली बात तो क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, अब करंट का और वोल्टेज का इक्वेशन दोनों किस में आ गया? किस में आ गया? साइन में आ गया। यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है। यहाँ पर फेज कितना है? ओमेगा टी। और यहाँ पर फेज कितना? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, या पाई बाई टू माइनस का ओमेगा टी। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा बताओ? यहाँ तो ओमेगा टी है और यहाँ पर ओमेगा टी, पाई बाई टू में से ओमेगा टी माइनस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ जान लोगे कि इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है, जिसको आप फाई कहते हो, ये पाई बाई टू का, क्योंकि पाई बाई टू का फर्क है। यस और नो? बिल्कुल ज़बरदस्त। अब आपको पता है, ऐसे सर्किट जिनके अंदर फेज डिफरेंस पाई बाई टू होता है, उनके अंदर कोई भी पावर लॉस नहीं होता है, ये तो आपको पता है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पी एवरेज निकालना चाहोगे तो ये होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कोज फाई। अब वाई द वे, आप यहाँ पर वी आर एम एस भी रख दोगे, आई आर एम एस भी रख दोगे, लेकिन जैसे यहाँ पर कोज 90 रखोगे तो कोज 90 की वैल्यू ज़ीरो होने की वजह से सबको ज़ीरो कर देती है, मतलब एवरेज पावर जो आ जाएगी वो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, ऐसे सर्किट भी बता देता हूँ जिसके अंदर फाई पाई बाई टू होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, उसके अंदर भी फाई की वैल्यू पाई बाई टू होती है करंट और वोल्टेज के बीच में। और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, उसके अंदर भी फाई की वैल्यू पाई बाई टू होती है करंट और वोल्टेज के बीच में। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।